बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ बुशरा शाहिद, वेलकम टू बुशरास ब्यूरो। सो एज आई प्रॉमिस कि मैं आपको जहाँ पर बहुत सारी रेसिपीज़ और बहुत सारी नई किस्म के खाने आपको सिखाएंगे, वहाँ पर वेट लॉस के और वेट मेंटेनेंस की बहुत सारी न्यू रेसिपीज़ आपके लिए मैं लेकर आऊँगी। सो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए ओवरनाइट ऑटमील ब्रेकफास्ट की रेसिपी। सो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। वेट लॉस ऑटमील के साथ हम इसको बनाएंगे और एंड एवरीबडी नो के ऑटमील ओवरनाइट ऑटमील ब्रेकफास्ट जो है इट्स अ सुपर ब्रेकफास्ट, बहुत ही बेस्ट किस्म का जो है हेल्दी ऑप्शन है इफ़ यू आर ऑन योर वेट लॉस जर्नी और अगर आप अपना वेट मेंटेन भी रखना चाहते हैं तो भी। इसके अंदर जो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत अच्छी हमें मिलती हैं। इसमें फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सबसे बढ़ के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो आपको मिलते हैं। अच्छा, इसको हम बहुत ही डिफरेंट तरीक़ों से बना सकते हैं, इसकी कोई बहुत सेट रेसिपी एक ही नहीं है। जैसे आपके सामने आपको मैं अभी इसके इन्ग्रीडियंट्स दिखाने लगी हूँ। ये मैंने इसके लिए जो है वो रो ओट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। ये मैंने जो के लिए हैं, आप चाहें तो वीट के भी ले सकते हैं। इसके साथ ये कुछ फ्रूट्स हैं जो मैंने काट के रखे हैं। मैंने एक पीच लिया है, इसके साथ मैंने एक मैंगो लिया है, एक बनाना है और बिल्कुल फ्यू चंक्स ऑफ एप्पल्स हैं। आपको एप्पल ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा और जो भी सीजनल फ्रूट्स आपको पसंद हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंगो का इस्तेमाल अगर आप हफ्ते में एक से दो बार कर रहे हैं और आप वेट कंट्रोल पर हैं तो इट्स गुड इनफ, इससे ज़्यादा मत कीजिए। है इट्स टोटली दीज फ्रूट्स आर टोटली ऑप्शनल, आप चाहें तो इसकी जगह अल्टरनेटिव फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है जी ओट्स और इसके साथ हम ग्रीक योगर्ट यूज़ करेंगे। थिक है ये काफ़ी और इसके साथ हम इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे नट्स। नट्स में मैंने लिया है आलमंड्स एंड पिस्टाचियोस, आप चाहें तो वॉलनट्स भी ऐड कर सकते हैं। और जस्ट टू गिव अ कलर, सो यहाँ पर हम मिंट का यूज़ करेंगे जस्ट फॉर द गार्निशिंग एंड एडिंग सम कलर। इसके साथ यहाँ पर ब्लैक किशमिश है विच इज़ फुल सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा बेसल सीड्स है जो आपके पेट को भरा भरा रखेगा और आपको एक फुल जो है वो मील इफेक्ट देगा, भरा हुआ आपकी हंगर को कट करने में हेल्प करेगा। और इसके अलावा हम इस्तेमाल करेंगे खालिस शहद। सो लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो जी स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। ये ग्रीक योगर्ट है, सबसे पहले ग्लास में मैं डालूंगी ग्रीक योगर्ट के एक से दो चम्मच, सही हो गया। और यहाँ पर मैं बिल्कुल माइनर सा थोड़ा सा जो है वो इसमें शहद ऐड करूंगी, ऐसे एक से दो ड्रॉप्स। इसके साथ हम यहाँ पर ऐड करेंगे थोड़े से रो ओट्स, फ्रूट ऐड करेंगे जोन जोन सा भी फ्रूट आपको पसंद है। मैं यहाँ पर थोड़े से मैंगो ऐड करूँगी, इसमें थोड़े से पीच के स्लाइसेस, फ्यू स्लाइसेस ऑफ बनानास, राइट। और फिर से यहाँ पर हम ऐड करेंगे योगर्ट। इट्स अ ओवरनाइट, आप इसको बना के फ्रिज में सारी रात के लिए रख दें और सुबह सुबह आप इसको एज अ ब्रेकफास्ट खाएं। इट्स अ फुल कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी न्यूट्रिएंट्स, आपको बहुत मज़ा आने वाला है और आप देखेंगे कि आपको भूख भी बहुत कम महसूस होती है इसको खा के। फ्रूट्स आप अपनी पसंद के भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम फिर से इसके अंदर ओट्स ऐड करेंगे, राइट। ग्रीक योगर्ट डालेंगे, थोड़ा सा मैं बैलेंस कर लेती हूँ। यहाँ पर बेसल सीड हमने भिगो के रखे थे, थोड़े से बेसल सीड ऐड करेंगे इनके टॉप पर। आप चाहें तो इसको मिडल में भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन मैं इसको टॉप पर ऐड कर रही हूँ। इसके ऊपर ऐड करूँगी मैं कुछ
और मज़ेदार सी चीज़ें, फ्यू कैशू नट्स हैं, 3 से 4 आलमंड्स हैं, ब्लैक किशमिश है, और इसको मज़ीद एक खूबसूरत सा फ्रेशनेस का एक टच देने के लिए मैंने मिंट के कुछ लीव्स जो हैं वो डिप करके रखे हुए थे, सो यहाँ पर हम कर देंगे। सो हमारा ओटमील ओवरनाइट ओटमील इज़ रेडी।